आपकी बैचलर होस्ट ऐसा चुशजादी सर्टी घुमावा तेरेम न खावा। आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम हॉटलाइन। हमारा शो में हमारे मेहमान जी वजीर मुखौलियात फवाद चौधरी सर। मैंने आपके साथ क्या मुखौल किया? मैंने आपके सैंडल की एड़ी उतार दी है या के लिपस्टिक पर गरम मसाला छिड़क दिया? और लीजिए, अब भी आप कहते हैं कि आप मुखौल नहीं करते। मैं तो कहती हूँ जी आप ड्रामा की तरफ आए जी है, और थिएटर के सारे अधिकार ना आपके सिगरद हो जाएंगे। मोहतरमा, सियासत भी एक थिएटर है। यहाँ पर किसी को मुंह तोड़ जवाब ना दे तो वो ट्वीट करके हाजमा खराब कर देता है। मुझसे सब सियासतदान डरते हैं क्योंकि मुझे उन सब पर एक एक लतीफा याद है। आज मौलाना साहब पर भी लतीफा याद है? मौलाना साहब तो खुद लतीफों की चलती फिरती किताब है। एपीसी करने चले थे और चिंगची रिक्शे जितनी सवारियां भी इकट्ठी नहीं कर सके। ओ जी, ओ फवाद चौधरी साहब हैं। ओ आपने ये भी तो कहा है कि अगर वजीर आजम एक आईजी को तब्दील नहीं कर सकता तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? अरे लेकिन ये आईजी का कसूर क्या था? देखे, खान साहब ने सख्ती से बचत का कहा है। क्यों जी? ओ जी आईजी साहब क्या वो दो दो पतलूने पहन के आते थे ड्यूटी पे? आईजी को बार बार फोन करने की वजह से आजम सवाती साहब के फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। चार्ज करने पर पूरे 2 यूनिट बिजली फजूल खर्च हुई और ये सब आईजी की वजह से हुआ। जी मैंने तो सुना है कि नियाज मोहम्मद की गाय की वजह से आईजी साहब को हटा दिया गया कि वो गाय पे पर्चा नहीं दे रहे थे। ये भी उनकी गलती है। एक गाय ने फार्म हाउस में घुसकर आजम सवाती साहब के इस्तेहकाक को मजरूह किया और उनके सारे पौधे खा गई। इस्तेहकाक मजरूह किया यानी आजम सवाती साहब खुद वो पौधे खाना चाहते थे? और मेरा मतलब ये है कि हो सकता है गाय को पता ही ना हो कि ये वफाकी मिनिस्टर का फार्म हाउस है। ऐसी गाय को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए जो किसी वफाकी मिनिस्टर को पहचानती भी ना हो। अच्छा नहीं ये बताएं जी कि चीन की हुकूमत ने पाकिस्तान को $6 अरब का पैकेज दिया है, बदले में उन्होंने क्या शर्त रखी है जी? उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी है कि करप्ट लोगों को फांसी दे दी जाए, और फांसी के लिए उन्होंने चीनी रस्सी के इस्तेमाल का भी मशवरा दिया है। नो 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 जी, वो फांसी तो बहुत सख्त सजा है, छोटी मोटी करप्शन तो हर कोई कर लेता है ना। मैंने भी यही कहा, वरना तमाम ब्यूटी पार्लर वाले पकड़े जाएंगे। वो तो ऐसे करप्शन करते हैं कि अपनी जाती बीवी पर भी प्यार आने लगता है। इसलिए जी मैं तुम्हें कभी नहीं कराती। आपको तो वैसे मेकअप करने की जरूरत भी नहीं है, आप तो सीधा ब्रश पर पेंट लगाकर इस्तेमाल करती होंगी। आप तो बिल्कुल ताजा पेंट की हुई खिड़की की तरह लग रही है। फवाद चौधरी साहब, मैं सचूं तेरा बकरे टाइप की जी, सॉरी घुमावा रैम न खावा। मुझे धमकी? मैं करूं इमरान खान साहब को मैसेज और करवाऊं आपको मुअत्तल? वाह चौधरी साहब, मेरी बात तो सुने जी, मैं कौन सा कोई हाय जी साहब हूं जी हैं? मैं तो छोटी सी इंस्पेक्टर हूं जी। नाजरीन, यहाँ हालात ना बहुत खराब हो रहे हैं जी, इससे पहले कि मुझे कोई मुअत्तल न करा दे इजाजत लेते हैं जी। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।